कृपया आप लोगों से अनुरोध है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर व सब्सक्राइब करें ताकि हर सुने घर आंगन में गूंजे खुशियों की किलकारी। धन्यवाद। आप कहाँ से हैं? मैं प्रॉपर्ली मैं लखनऊ ही बोलता हूँ क्योंकि मेरे इन-लॉज यहाँ पे ससुराल यहाँ पे हैं। अच्छा, अदरवाइज मेरी पहचान वैसे फतेहपुर की है तो ज़्यादातर लोग फतेहपुर सीकरी समझ लेते हैं। जी, शादी के पहले मैं इलाहाबाद रहता था क्योंकि मैंने वहाँ से पढ़ाई की। जी, ये दोनों बच्चे कितने साल बाद में? ये दोनों बच्चे बहुत ज़्यादा लेट नहीं है, हमने कोशिश भी नहीं की थी। इनफैक्ट मैरिज हमारे 2011 में शादी हुई और फर्स्ट बेबी हमारा 2013 में था। अच्छा, और उसके बाद हम खुद ही समझ नहीं रहे थे, मतलब फैमिली वाले ज़्यादा बड़ी करने के बारे में सोच नहीं रहे थे। चांस की बात है, भगवान को देना था। तो लास्ट ईयर हम वैकेशन में गए थे पूरी में, तो आप अपने बच्ची को देखा कि वो चाह रही है कि बेबी करना, और फिर उसके बाद हमको नहीं लगा कि हमको लगा कि यस वही एक तरीका अभी एक तरीका आएगी। और यहाँ के बारे में कैसे पता चला जाए बच्चे के बारे में? यहाँ के बारे में चूँकि हमारे पड़ोस में एक हुआ था हमारे, मतलब वाइफ के मुंहबेले भाई हैं। जी जी, तो उनकी भी लेट मैरिज थी। जी जी, तो उनके लेट किड्स से तो उनको आइडिया था कि यहाँ पे सबसे अच्छे हैं। जी जी, तो जब आप लोग यहाँ पर आए, यहाँ की सक्सेस को सुन करके यहाँ की जो डॉक्टर हैं, डॉक्टर राजू त्यागी मैडम, उनसे आप मिले और अपनी बात शेयर की, अपनी प्रॉब्लम बताई, उन्होंने आपको क्या कमेंट किया? उन्होंने ऐसे उन्होंने कहा आपने अच्छा डिसीजन लिया है क्योंकि एज के साथ एक अच्छे एक्सपर्ट हाथ के साथ पहुँचाना ही रहता अच्छा रहता है। जी जी, और हम यहाँ पे उसमें सही डिसीजन लिया, भगवान की दया से फर्स्ट टाइम में हो गया। जी जी, समय ही बहुत ज़िंदगी में समय ही सबसे बहुत इम्पोर्टेंट है। और ये मैडम के यहाँ का IVF करने का तरीका है, उनकी IVF करने की टेक्नोलॉजी इस तरीके की है। आप ही नहीं, यहाँ आए हुए बहुत सारे पेशेंटों को पहली ही बार में सफलता मिलती है। और इधर बीच आप 9-10 महीनों से आप हमारे साथ में हैं, आपने देखा होगा कि मैडम इस काम को लेकर कितना लगन से इस काम को करते हैं। हाँ, तो मैंने देखा कि सुबह 3-4 बजे और रात को 10 बजे भी आपको काम करते मिल जाए। उनका ही लगन है जिनके कारण से दूर दूर तक पेशेंट आते हैं, उनका IVF करने का तरीका है जिसके कारण से इतनी दूर दूर से पेशेंट आते हैं और उनको यहाँ पे सफलता मिलती है। अदरवाइज आज के डेट में हर शहर में IVF सेंटर है, लेकिन उसके बावजूद सफलता अगर मिल पा रही है तो ये उनका इलाज करने का तरीका है, उनका IVF करने का तरीका है और उनकी लगन और मेहनत। हॉस्पिटल में सभी स्टाफ और डॉक्टरों ने आपको पूरा सहयोग किया है। और इतने समय बाद आपको जो 2 बच्चों की उपलब्धि मिली है, क्या कहना चाहेंगे मैडम और उनकी टीम को? बस यही कह रहे हैं कि आप जैसा उन्होंने डेडिकेशन से उन्होंने इंस्टीट्यूट बनाया है, रेपो बनाई है। जी जी, ऐसे ही लगे रहे। जी, फ्यूचर भी ट्रेन करते रहे अपने, क्योंकि उनकी डॉटर्स हैं न्यू जनरेशन, क्योंकि यानी को अपनी चीज़ पास करनी होती है एक नए टाइम के बाद। जी जी जी, तो बस उसी क्षेत्र में डॉक्टर निहारिका, डॉक्टर लावण्या लगी हुई है, बिल्कुल वैसे ही जैसे मैडम काम कर रही हैं उसी तरीके से वो लोग भी पूरी मेहनत से इस काम में लगे हुए हैं। जावित्री टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर की तरफ से आपको दोनों बच्चों के होने पर ढेर सारी बधाई। धन्यवाद।